अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने YouTube चैनल पर मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो स्पेशली उर्दू मीडियम के जितने अपने कैंडिडेट्स हैं जो कि शिक्षक भर्ती होने की यहां पर राह देख रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं, इन सभी लोगों को डेडिकेट आज का यह वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि उर्दू मीडियम की जो वैकेंसी अभी भी बाकी है, पवित्र पोर्टल के जितने भी राउंड थे उर्दू मीडियम से रिलेटेड वो तो खत्म हो गए हैं, लेकिन अभी भी 520 से ज्यादा वैकेंसी उर्दू मीडियम की अभी भी पवित्र पोर्टल पे एज इट इज बाकी है। और उसकी वजह यह है कि वहां पे जो वेल डिजर्व यानी जो कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए थी वो क्वालिफिकेशन होने वाले बंदे नहीं मिले। अब जो है ये 520 प्लस वैकेंसी फिलअप करने के लिए अपने उर्दू मीडियम के जितने कैंडिडेट्स हैं उन सब के तौर पे जो है छोटी मोटी कोशिशें की जा रही है, और हम जो है आज के इस वीडियो के जरिए उसी छोटी मोटी कोशिशों को जो है हाईलाइट करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये समझ आ जाए कि उर्दू मीडियम की वैकेंसी जो है वो फिलअप करना कितना ज्यादा जरूरी है। ये सारी कोशिशें जानने से पहले हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि ये 520 वैकेंसी एग्जैक्टली क्यों फिलअप नहीं हो पाई। इसकी महज एक ही वजह है कि हमारे पास जितने कैंडिडेट्स अवेलेबल ही नहीं थे कि जितनी ये वैकेंसी उर्दू मीडियम के पवित्र पोर्टल पर आई हुई थी, इस वजह से जो है यहां पर 520 से ज्यादा वैकेंसी एज इट इज बाकी है। मैक्सिमम जितनी भी वैकेंसी उर्दू मीडियम के पवित्र पोर्टल पर आई हुई थी उन सारी वैकेंसी जो है पहली से लेकर आठवीं क्लास तक के ही वैकेंसी यहां पर अवेलेबल थी, और इसके लिए शर्त थी कि टीईटी का पेपर एक पास हो या पेपर दो पास हो। यहां पर मैं एक बात और आपको बता दूं, काफी सारे बच्चे जो है बार बार कमेंट्स करते हैं कि टीईटी अगर नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टीईटी है जिसे हम सीटीईटी बोलेंगे वो चलेगा क्या? तो बिल्कुल चलेगा, दोनों भी है तो वो इक्वल वेटेज रखते हैं। चाहे तो आपके आपकी टीईटी होनी जरूरी है, चाहे तो आपके पास सीटीईटी होनी जरूरी थी, लेकिन शर्त यह थी कि 2017 में जो टेट का एग्जाम हुआ था उससे पहले अगर से आपकी टीईटी पास है तभी आपको यहां पर जॉब मिल सकती थी, ये शर्त थी, और जिसकी वजह से जो है ये 520 वैकेंसी यहां पर फिलअप नहीं हो पाई। अगर से हम एनालिसिस किया जाए अगर आज के डेट में तो काफी सारे अपने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 2017 में, 2018, 19 या फिर इस साल में जो रिजल्ट लगा है 19 जनवरी 2020 को जो एग्जाम हुई थी वो एग्जाम के अंदर काफी सारे बच्चे जो है वो पास आउट हो चुके हैं। अब यहां पर दो चीजें उभर कर सामने आ रही है कि आयुक्त के तौर पर अगर से बोला जाए तो आयुक्त की ओर से ये बात कही गई है कि उर्दू मीडियम के अभी तमाम राउंड खत्म हो चुके हैं, पवित्र पोर्टल पे अब उर्दू का कोई राउंड नहीं होने वाला है, यानी ये जो 520 वैकेंसी अभी भी बाकी है तो यहां पर ये जो स्कूल का नुकसान हो रहा है, ये हमारे स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? ये वैकेंसी हमें फिलअप करना ये हमारी जिम्मेदारी है, सरकार को जो है हमें ये जो चीज है इसको हाईलाइट करना जरूरी है, वरना हमारे जो बच्चे हैं वो पहले ही तालीम से महरूम है और आने वाले समय में जो है 520 से ज्यादा टीचर यानी हजारों बच्चों का यहां पर नुकसान। ये चीज हमें दूर करने के लिए अपने काफी सारे कैंडिडेट्स हैं वो के चाह रहे हैं कि 520 वैकेंसी भरी जाए। काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी ये डिमांड है कि सेकेंड डेट ली जाए, और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि 17, 18, 19 में जो टीईटी पास है उनका कहना है कि यहां पर हमें जो है सीधे सीधे तौर पर मौका दिया जाए और जल्द से जल्द ये वैकेंसी फिलअप की जाए। तो बात सही है, अगर से गवर्नमेंट के पास इतनी अथॉरिटी है और अगर गवर्नमेंट के पास इतना बैकअप है कि वह आज के डेट में जो है टेट के एग्जाम ले सकती है तो उन्होंने टेट का एग्जाम लेकर ये वैकेंसी फिलअप करनी चाहिए। लेकिन जहां तक मैं इस गवर्नमेंट को जानता हूं अंदर की बातें यह है कि अभी फिलहाल में टेट लेना बड़ा मुश्किल काम है, जिस वजह से सेकेंड वाला रास्ता ये बच रहा है कि जितने कैंडिडेट्स जो है 2017, 18, 19 में टीईटी या सीटीईटी पास है उन लोगों के लिए जो है पोर्टल पे एक मरतबा फिर से जो टीईटी का अपडेशन का जो टैब है वो खोल कर दिया जाए और ये बच्चे जो है अपनी अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो फिलअप करे और इनमें से जो है वो बच्चे सिलेक्ट किए जाए, ताकि आसानी से हमें जो है ये कैंडिडेट्स जॉब पे लगते हुए नजर आए और जो स्टूडेंट्स जो है वो तालीम से महरूम हो रहे हैं और वो बच्चों को भी जो है अच्छे तरीके से एजुकेशन मिल सके। अब यहां पर दो चीजें हो रही है, एक ग्रुप ये कहता है कि सेकेंड टेट होनी चाहिए और एक ग्रुप ये कहता है कि अभी जो है ये वाली हमारी जो वैकेंसी है 17-18 के टीईटी पे भरी जाए।
इसलिए दोनों में जो ग्रुप्स है वो अपने अपने तौर पर कोशिशें कर रहे हैं। यहां पर मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं कि कई सारे ग्रुप्स जो है वो वर्षाताय गायकवाड़ से मिलते हैं या फिर बच्चों कड़ू से मिलते हैं और उन्हें निवेदन देते हैं, लेकिन यहां पर जब तक ये सेकेंड राउंड नहीं हो जाता, कंप्लीट नहीं हो जाता, मराठी मीडियम की बात कर रहा हूं, तब तक सेकेंड टेट होना यहां पर इम्पॉसिबल है, क्योंकि मराठी के बच्चे होने नहीं देंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर से आप एक एग्जाम लेकर वो रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं करते हो और दूसरे एग्जाम लेते हो तो ये कहां की इंसाफ की बात है। इस वजह से जो है, अभी हाल की बात की जाए तो महाराष्ट्र राज्य उर्दू शिक्षक संगठन की ओर से उनके जो सदर है एम ए गफ्फार साहब, इनके सदारत में जो है हमारे जो ग्राम विकास राज्य मंत्री है अब्दुल सत्तार, जो कि सिल्लौर से बिलोंग करते हैं, उन्हें एक निवेदन सौंपा गया और ये निवेदन मैं आपको यहां पर स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। और उस निवेदन में साफ तौर पे ये चीजें कही गई है कि आने वाले जो राउंड होने वाले हैं उर्दू मीडियम के, वो राउंड्स के अंदर जो है 2017, 18 और 19 में जो बच्चे टीईटी और सीटीईटी पास हैं, इन बच्चों को मौका दिया जाए और इनकी जो वैकेंसी है वो फिलअप कर दी जाए। इस पर जो है ये मंत्री अब्दुल सत्तार का जवाब ये था कि बिल्कुल जैसे ही आचार संहिता खत्म हो जाएगी हम जो है इसके बारे में सोचेंगे और इसके बारे में जो है मैं अपने जो आला कमान है उनको इस बारे में जो है इंफॉर्मेशन दूंगा और आपकी हम पूरी तरह से मदद करेंगे। तो मे बी ये पॉसिबल हो सकता है कि 2017 के बाद जितने टीईटी और सीटीईटी वाले बच्चे हैं उनको मौका मिल सकता है। कल जो निवेदन दिया गया है अब्दुल गफ्फार साहब को, इस निवेदन देने में जो है कई सारे लोग हैं जिन्होंने अहम भूमिका निभाई है, जिसके अंदर मोहम्मद जफरुल इस्लाम सर है, हमारे अजीम इनामदार सर है, मोहम्मद अरशद सर, मोहम्मद मुजाहिद सर, मिनाज मनियार सर, समीर खान सर, ये सारे जो कैंडिडेट्स हैं इन्होंने काफी सारी मेहनत और मशक्कत की है। इन्हीं के साथ इनका सारा के सारा ग्रुप है जो कि रात दिन ये मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है ये 520 वैकेंसी जो है वो फिलअप करना बाकी है, वो फिलअप हो जाए और इसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है स्टूडेंट्स का वो नुकसान यहां पर रुक जाए और आने वाले समय में जो है इन लोगों की शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड़ से भी मुलाकात का यहां पर इरादा है और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में उनकी अच्छी तरीके से मुलाकात हो और उनको जो है ये आंदोलन के अंदर कामयाबी भी मिल सके। हम किसी भी एक ग्रुप के खिलाफ नहीं है, जो चीजें लॉजिकली है वो चीजें हम यहां पर आपके सामने पेश कर रहे हैं, क्योंकि अपना जो चैनल है वो चैनल हक के साथ है, हम किसी का भी जो है गलत तौर पे यहां पर साथ नहीं दे सकते। जो चीजें आसानी से हो सकती है वही चीजें हम यहां पर आपको पेश कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जब भी कभी उर्दू मीडियम की जो है इस तरीके से कोई और नई अपडेट आएगी, हम अपने चैनल के जरिए आप तक उन्हें पहुंचाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे।